चलिए बच्चों, आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 3 एटम मॉलिक्यूल्स है, पेज नंबर 47। उसमें एग्जांपल 3.4 का चार क्वेश्चंस लिया हूँ। फिलहाल अभी तो पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे है। क्या दिया है? 0.5 मोल N2 गैस दिए हैं और आपको मास फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है? मास कितने होंगे बताना है, जो द्रव्यमान आपका बुक में हिंदी में दिया है। मैंने इंग्लिश में लिखा हूँ, बुक में तो आपकी क्वेश्चन है। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले गिवन कंडीशन क्या दिया है उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद जो फाइंड करना है उसको करना है। तो देखिए, इसकी सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या दिया है हमको? 0.5 मोल। तो मोल को हम लोग दर्शाते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। कितना दिया है? 0.5 मोल। क्लियर? अब क्या फाइंड करना है? मास। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ये कितना फाइंड करना है? ठीक। अब इससे पहले मैंने फार्मूला बता चुका था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए और मास फाइंड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे फार्मूले को लिख दे रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास। गिवन मास को स्मॉल एम से लिखते हैं और मोलर मास को कैपिटल एम से लिखते हैं। ये जब हमको नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए बोलेगा तब इस फार्मूले को यूज करेंगे। अभी फिलहाल आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? मास फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इनके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एम 1 के साथ इंटू होंगे तो क्या होंगे? एम होंगे। इक्वल्स टू एन एम के साथ इंटू होंगे तो क्या होंगे? एन एम। तो ये कब फार्मूला लगाएंगे हम लोग? जब हमको मास फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें से और एक फार्मूला भी आप बना सकते हैं। कौन सी फार्मूला? जैसे कि मोलर मास फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो मोलर मास फाइंड करने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे आप? एम के साथ एन मल्टीपल किए तो क्या हुआ? एन आया, तो एम निकालना है। तो कैपिटल एम इक्वल टू तो क्या हो जाएंगे? स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एन। ये हमारा क्या हो गया? मोलर मास फाइंड करने के लिए। तो ये तीन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल इस फॉर्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, एम इक्वल्स टू क्या है? एम इक्वल्स टू एन इंटू एम। आप देखो क्या वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है। एन की वैल्यू कितनी है? 0.5। एम कैसे निकालते हैं? एम यहाँ पे कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन गैस का एम कितना होता है, इसको निकालने के लिए मैं क्लास 9th की एक वीडियो पे बता चुका हूँ मॉलिकुलर मास कैसे फाइंड किया जाता है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर में उसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, N2 का कैसे निकालना है? N2 का पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो N2 का जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितनी होती है? एटॉमिक नंबर मैं शॉर्ट में लिखा, एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक, तो इसकी मॉलिकुलर मास कैसे होंगे? इसके दुगुना, तो कितना होगा? 14। किसकी? खाली नाइट्रोजन का होता है, लेकिन यहाँ पे दो एटम्स है, तो 14 × 2 कितने हो जाएंगे? तो 28। समझ आया? तो यहाँ पे 28 आप पुट कर दीजिए। तो जैसे 20 पुट आप करोगे तो कितने होंगे? पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने होने लगेगा? 10। 5 × 1 = 2, ये कितना हुआ? 14। तो 14 ग्राम जो है इसकी मास। इसके बाद क्या क्वेश्चन दिया है? 0.5 मोल एन एटम्स की, मतलब 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु की मास फाइंड करना है। तो देखिए, इससे पहले N2 दिया था, उससे पहले वाला क्वेश्चन में N2 दिया था, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? N दिया है। तो N2 में कितना आया था वैल्यू? 14। तो इसमें कितने होंगे? 7। सीधी सी बात। तो अभी करते हैं इसको हॉल, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो हमको गिवन कंडीशन N कितना दिया है? 0.5 मास फाइंड करना है। अब M कितना होता है नाइट्रोजन की? 14 होंगे इस केस में। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एटम है और उससे पहले में मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, एम इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? एन इंटू कैपिटल एम। तो एन की वैल्यू कितनी है? 0.5, और एम का वैल्यू कितना है? 14। डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 होंगे, 5 × 1 = 2, 7, तो कितना हुआ? 7 ग्राम। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिया हूँ मैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? 3.011 × 10³ नाइट्रोजन एटम्स दिए हैं और आपको मास फाइंड करना है, मतलब द्रव्यमान ज्ञात करना है। आपकी बुक में तो हिंदी में लिखा है, देख लीजिएगा। तो देखिए, अभी तक हम लोग मास निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला लगा रहे थे? एम इक्वल्स टू एन इंटू एम, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? मोलर मास और मोल्स पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमको मोल दिया नहीं है, तो मोल निकालने के लिए
एक फार्मूला क्या होता था, गिविन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो देखिए इसमें गिविन मास भी दिया नहीं है, तो इस फार्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला क्या होता है नंबर मोल निकालने के लिए, एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन नॉट। तो ये क्या होता है, ए एन जो है, जो हमको क्वेश्चंस में जितने भी नंबर आइटम्स दिया रहेगा ये होता है ए ऊपर वाला एन का, और एन नॉट का मास एवोगाड्रो नंबर्स होता है जिसकी वैल्यू होता है एन नॉट का वैल्यू एन नॉट इक्वल्स टू 6.022 × 10³। ये कोई भी गैस के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसमें फार्मूला में लगा दे सॉरी इस क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं। तो देखिए पहले तो हमको एन फाइंड करना है, तो एन इक्वल्स टू क्या होंगे, कैपिटल एन अपॉन एन नॉट। अब एन बराबर कैपिटल एन की वैल्यू कितना दिया है हमको, 3.011 × 10³। आप एन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 × 10³। अब देखिए 10³ 23 कैंसिल आउट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये डेसिमल डेसिमल हट जाएंगे। अब इसको 1 से और इसको मतलब 2 से कटोगे तो आ जाएंगे, तो कितना आया, एन बराबर 1/2 मीन्स 0.51 आ गए। अब हमारा एम निकालने के लिए फार्मूला होता है एन इंटू मॉलिकुलर मास। तो देखिए एन की वैल्यू कितना आया, 0.5 लिखिए चाहे 1/2 लिखिए सेम बात, इंटू नाइट्रोजन एक एटम्स है, एक एटम का कितना होता है 14, तो 2 से कटोगे तो 7, तो ये कितना हो गया 7 ग्राम। इसका चौथा क्वेश्चन लिख लिया हूँ, देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है, 6.022 × 10³ नाइट्रोजन एटम्स में कितने मास होंगे। तो उसके लिए क्या करोगे आप, पहले तो इसका सॉल्यूशन में हमको क्या दिया है, देखिए इतने एटम्स दिए हैं और हमको मास फाइंड करना है, तो एन इंटू एम, एन की वैल्यू निकालना है। तो एन निकालने के लिए अभी हमने बताया कैपिटल एन अपॉन एन नॉट, ये एन की वैल्यू जो क्वेश्चंस में हमको दिया है 6.022 × 10³, और ये एन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10³। देखिए सेम वैल्यू पर तो कट के कितना आया 1, एन की वैल्यू कितना आ चुका 1, तो एम बराबर क्या होता है हमारा एन इंटू मॉलिकुलर मास। तो एन का वैल्यू तो 1 है, एम एन टू के लिए एम कितना होते हैं 28, तो ये कितने होंगे 28 ग्राम। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो लेक्चर्स में आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया।